बुंदेलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र में यह खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण अंशों का साक्षी रहा है। इनको सोनागिर या सोने के पहाड़ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक शहर दतिया के पास सोनागिर का जैन तीर्थ स्थल है। ये सोनागिर पहाड़ी पर बने 77 मंदिरों और पहाड़ी के नीचे बने 25 मंदिरों का एक बड़ा परिसर है। सोनागिर, जिसे लघु सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, दिगंबर जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और पूरे भारत से यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। जैन धार्मिक मान्यता के अनुसार 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु के समय से 5 करोड़ से अधिक संतों और तपस्वियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रप्रभु की दिव्य सभा 17 बार यहाँ आयोजित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कई अन्य दिगंबर जैन संतों जैसे नांग, अनंग, चिंतागति, पूर्वांचल, अशोक सेन और श्रीदत्त ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। प्राचीन काल के दौरान दक्षिणापथ या उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। इस दक्षिणापथ के माध्यम से जहाँ से जैन भिक्षु और व्यापारी गुजरते थे, जैन धर्म उत्तर से दक्षिण भारत तक फैला। इससे दक्षिणापथ के सभी प्रमुख शहरों में पेशावर के पास तक्षशिला से लेकर महाराष्ट्र में पैठन तक जैन समुदाय खूब फुला फला। बुंदेलखंड में ग्वालियर, दतिया, चंदेरी और देवगढ़ जैसे स्थान महत्वपूर्ण जैन केंद्र बन गए। 17वीं शताब्दी में दतिया के आसपास का क्षेत्र ओरछा के बुंदेला शासक राजा वीर सिंह जुदेव के नियंत्रण में आया। राजा वीर सिंह मुगल राजकुमार सलीम के करीबी दोस्त थे, जो बाद में बादशाह जहांगीर बने। 1623 में वीर सिंह ने बादशाह जहांगीर की यात्रा के लिए एक 7 मंजिल वाला भव्य महल बनाने का फैसला किया। इस महल के निर्माण के प्रयोग में आने वाले पत्थर दतिया के पास इन चट्टानों से लिया गया था। इन पहाड़ियों से पत्थर की खदान के दौरान यहां 8वें जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभु की 11 फीट लंबी एक मूर्ति मिली। स्थानीय जैन समुदाय के लोगों ने इस मूर्ति को एक पहाड़ी की चोटी पर बने एक मंदिर में स्थापित किया। ये मंदिर आज सोनागिर का मंदिर नंबर 57 है। चंद्रप्रभु की बड़ी मूर्ति को आज भी यहाँ पूजा जाता है। आज भी सोनागिर के इतने मंदिरों में मंदिर नंबर 57 बहुत पूजनीय है। धीरे धीरे समय के साथ जैन समुदाय ने इसके पास और कई मंदिरों का निर्माण शुरू किया और उन्होंने यहाँ 77 मंदिरों का परिसर बनाया। इन मंदिरों की एक खास बात यह है कि क्योंकि ये सब अलग अलग समय में बनाए गए थे, इन मंदिरों में अलग अलग वास्तुकला दिखाई देती है। यहाँ तक कि नए मंदिर आज भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। 1869 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉर्ज एडवर्ड हरने ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सोनागिर और उसके मंदिरों की कई तस्वीरें ली। ये आकर्षक तस्वीरें जो अब लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, हमें बताती है कि उस समय ये मंदिर कैसे दिखते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इतने समय में यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बदला। किंवदंतियों और विश्वास से परिपूर्ण ये जैन सोने का पहाड़ आज भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।